गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भाई इस ट्रैक्टर के बारे में, जिसका नाम है जॉन डियर 5210। क्या कुछ खास है इस ट्रैक्टर में और क्यों ये वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें जान रहे होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। इसमें आपको दो चाबी मिल जाती है, एक अपना मेन स्विच की और ये मिल जाती है अपने डीजल टैंक की। और इसमें फ्रंट में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये जॉन डियर का लोगो। साथ में आपको ये दो हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे इस टाइप की एक ग्रिल मिल जाती है ऑल ब्लैक कलर की। और ये आप बोनट के लिए आपको ये हैंडल मिल जाएगा। और साइड में अगर हम बात करें तो इसमें आपको फ्रंट टायर जो है वो 6-5-20 के मिल जाते हैं। और रियर टायर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 16-9-28 के रियर टायर मिल जाते हैं। ये रही भाई इसकी प्रोफाइल। और चलते हैं अभी उस साइड और उधर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इधर क्या क्या है। तो साइड में आपको सबसे पहले यहाँ जॉन डियर का लोगो, ये जॉन डियर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे 5210 लिखा मिल जाएगा। और यहाँ आपको पीछे गियर प्रो की V16 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आपको फ्रंट एक्सल कुछ इस टाइप का मिल जाता है, जो काफ़ी हेवी एक्सल है। और यहाँ पर आपको ये पावर मिल जाएगा। और इस साइड से कुछ ऐसी लुक है इस ट्रैक्टर की। और यहाँ पर आप लोगों को ये सेल्फ देखने के लिए मिल जाता है। ये हो गया अपना वाटर सेपरेटर यहाँ पे। और ये अपना जो लिफ्ट के लिए जाता है ऑयल, वो पाइप मिल जाएगा यहाँ पे। और साइड में आप लोगों को ये मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस साइड अगर देखें तो यहाँ आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा और एक येलो लाइट मिल जाएगा। और कुछ इस टाइप का ये साइड से दिखता है पीछे से। और रियर में चलते हैं अभी, तो सबसे पहले एक लाइट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको टेल लैंप्स मिल जाएंगे, ये नंबर प्लेट के लिए, नंबर प्लेट मिल जाएगी मतलब लगाने के लिए। और इस पर भी एक येलो लाइट मिल जाता है। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये जॉन डियर। और पीछे आपको इसमें पीछे की साइड डीजल टैंक देखने को मिल जाएगा। और पीछे अगर लिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 2000 केजी की आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। इस टाइप का आपको ये हीच मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये प्लाउ लगाने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ से पीछे लाइट एक्सटेंड करने के लिए आपको कनेक्शन मिल जाते हैं। और ये हो गया अपना टॉप लीन के लिए। और पीछे आपको इसमें ये रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। और यहाँ ऊपर आपको ये डिक्की मिल जाती है छोटी सी, जिसमें आप अपने सारे टूल्स रख सकते हो। और यहाँ से इसमें भरेंगे डीजल। और ये आपको मिल जाता है डीजल दिखाने के लिए ये। और पीछे भाई ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब साइड में चलते हैं इधर, बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको ये बॉश कंपनी का 3 सिलेंडर 50 HP का इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर निकालता है। और अभी इसके बोनट को अनलॉक करते हैं। इसमें आपको ये सिंगल पीस बोनट मिल जाता है, जिसे ये पूरा फ्लाइबर का है। और इसमें आपको अंदर की साइड ये दो पंप्स मिल जाते हैं। और यहाँ सामने आपको ये ड्राई एयर क्लीनर मिल जाता है, नीचे ये रेडिएटर हो गया। और सामने इसमें आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। और साइड में आपको यहाँ पे एक कोल्ड फ्यूल का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। और कुछ ऐसा दिखता है ये सामने से इंजन भी इसका। और अभी बोनट को बंद करते हैं। काफ़ी हैवी इसमें आपको बोनट देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इसमें ये फाइबर के ग्लास लगे मिलते हैं, जो इंजन की हीट को रोकते हैं। और कुछ इस टाइप का आपको यहाँ प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ऊंचा बम्प है यहाँ पे। और एक ये फुटरेस्ट मिलता है। तो अभी चलते हैं ऊपर और बात करते हैं ऊपर क्या है। इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी सीटिंग पोजिशन मिल जाती है ये। और साइड में आपको ये गेयर्स मिल जाते हैं। और सबसे पहले आपने जॉन डियर का यहाँ पे एक लोगो मिल जाता है। और इस टाइप का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो ऑन करते हैं इसको अभी। तो इस टाइप का आपको मिल जाता है। यहाँ पे सारी स्पीड दिखाएगा आपको, यहाँ कितने घंटे ट्रैक्टर चला है वो। यहाँ पे फ्यूल दिखाएगा, यहाँ टेम्परेचर। और यहाँ पे कुछ पार्किंग लाइट्स वगैरह है। और यहाँ लाइट का ऑप्शन, ये बैटरी वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर और ये पास लाइट मिल जाता है। यहाँ पे 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट। और इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल हॉर्न मिल जाता है ये वाला। और ये रेस्ट का, हैंड रेस्ट का मिल जाता है। और अगर बात कर लें इसके गियर्स की, तो इसमें आपको यहाँ पे अपने
गियर में पार्किंग ब्रेक भी मिल जाता है, और इसमें आपको 12 फॉरवर्ड गियर मिल जाता है और 4 रिवर्स मिल जाते हैं सॉरी। और यहाँ पे आपको ये ब्रेक्स देखने के मिल जाते हैं, नीचे एक्सीलेटर मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म इसमें है। और यहाँ पे इस टाइप का एक क्लच देखने के मिल जाता है। बस इसमें एक दिक्कत मुझे ये लगी भाई कि जब आप इतना पैर दबाओगे तो ये बहुत बार ना ये इसमें लगता है, तो ठीक है। पर अभी साइड में आपको इस टाइप ये ABCD गियर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको PTO का लीवर मिल जाता है, ये PTO आपको कौन सा चाहिए वो वाला मिल जाता है। और साइड में आपको कुछ ही स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे एक हैंडल मिलता है ऊपर चढ़ते टाइम, वो मैं बताना आपको भूल गया। और इस साइड आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, लिफ्ट के कंट्रोल सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी बॉटल यहाँ पे फिट हो सकती है। और यहाँ पे आपको नीचे स्टॉप वॉकर और ये स्विच का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी चलते हैं भाई नीचे। और ये सारी बातें थी इस जॉन डियर 5210 के बारे में। तो आप लेना चाहें तो भाई ज़रूर ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।